अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के बीच में लेकर एक ब्लॉग हाजिर हुआ हूँ। प्रोग्राम किया गया था रबी अव्वल का, रोशनी वाले दिन। तो हमारे भाई लोगों ने बहुत छोटा इंतज़ाम किया था जिसमें हमने हिस्सा लिया था, और अब के हमारे भाई लोगों ने जो इंतज़ाम किया है बहुत अच्छा किया है। और ये नक्शा जो बनाया गया है, ये दुबई की मस्जिद का नक्शा है, और ये नक्शा हमने खुद बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये कमेटी के कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट किया और ये बनाने में साथ बहुत दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई वबरकात। भाई, जो अब इस साल जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया गया है। और जो पर साल यहाँ पे घंटाघर और एक मस्जिद, घंटाघर जो रखा गया था और एक दरगाह रखी गई थी वो जो हमने दिया था, तो माशाल्लाह अब तक जो इंतज़ाम किया गया है उससे बढ़कर हिस्सा लिया गया है। और ये जो नक्शा बनाया गया है ये बहुत खूबसूरत हमने बनाया है, और खुशी ये हमें ये है कि आप लोगों ने हमको अपनी कमेटी में लिया। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत नक्शा बनाया है दो भाई, कामिल और आसिफ भाई। अरे बाकी यहाँ पे बहुत लोग हैं कमेटी में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बैनर, ये इतने लोग हैं, हमारा भी फोटो है इसमें। और 2024 में ये प्रोग्राम किया गया, 2023 में उसकी भी वीडियो इसी मोबाइल पर हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है माशाल्लाह। तो भाई, आज हमारे नबी की शान में जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। कहना चाहेंगे हम आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नबी पाक का चलागा करें, आप लोग धूमधाम से रोशनी मनाएं, जुलूस निकालें, लेकिन शांतिपूर्वक, बेशक बेशक, ना किसी से विवाद हो, ना किसी से बहस हो। बस आप इतना ध्यान रखें कि हमारे नबी का जो जुलूस हम कर रहे हैं या रोशनी कर रहे हैं, वो जगह जगह दूर दूर से लोग देखने आए, इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग करें। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, इस साल जो थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर पड़ गए, अगले साल इंशाअल्लाह इससे बेहतर करेंगे। आप लोगों ने करके दिखाया, और आप एक और वादा करूंगा मैं कि इससे भी बेहतर इंशाअल्लाह अगले साल मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक, क्योंकि उम्मीद हम लोग की यही है कि क्योंकि हमारे कम्युनिटी मेंबर ने बहुत साथ दिया, छोटे छोटे बच्चों ने चंदा मांगा, दौड़े हैं सब बच्चे, ये लोग खड़े हुए हैं, ये हैं चार पाँच लोग बच्चे हैं, जो बच्चे इतने इतने बड़े बच्चे थे, इन लोगों ने इंतज़ाम किया था। इन लोगों को देखकर हम लोग का हौसला बढ़ा हुआ, हम लोग हिस्सा भी लें। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि नक्शा जितनी ही तारीफ करो उतने ही कम है, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं इतने लोग, बहुत सपोर्ट किया। और इसमें ये 15 अगस्त से हम बना रहे हैं इसको, इसमें कम से कम 40-42 गुम्बद थे, जो इसी मोबाइल पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की भी अप्लाई की है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं वीडियो में माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाई। तो भाई, आपको अपने YouTube चैनल पर इस्तकबाल करते हैं माशाल्लाह। इंतज़ाम जो किया है बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है, और जो हमारे नबी की जो शान में आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है, तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों ने सब मिलकर किया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, और आपने जो है बहुत प्यारा नक्शा बनाया है, इसलिए जो है भाई आपको देखकर हमारा हौसला बहुत बुलंद हुआ कि इतने बड़े बड़े बच्चे लोगों ने किया है। और आप लोगों से गुजारिश एक है हमारी कि भी ये जब चंदा इतने इतने बड़े बच्चे मांगने जाएं आपके द्वारे या कहीं भी मिल जाए, तो इनका दिल और इनका हौसला आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने बड़े बच्चे जाते हैं तो उनसे मालूम है क्या कहते हैं लोग, कहते हैं कि अरे ये सब जेब में रख लेंगे, ये कर लेंगे। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हमारी सबूत के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इन लोग का हौसला देखकर हमने इतना बड़ा नक्शा बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया सब लोग, है ना। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो हमने कमी भी की वो भी ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई कमी है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। माशाल्लाह जो भी देखा, जितने भी देखा है, सब लोगों ने तारीफ की। और कभी भी अगर आपके द्वारे या आपके मोहल्ले में या आपकी गली में कोई भी बच्चा अगर पहुँच जाए, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। हमारी गुजारिश आप लोगों से यही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार ये बच्चे हैं, ये खा लेंगे, ये खा कुछ कर लेंगे, ऐसा मत सोचना कभी भी, कि आज इन लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, उनको देखकर हमने इतना बड़ा हिस्सा लिया, और ये कमेटी के लोग हमको सपोर्ट। बोलने मैं एक बात बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस्लाम के काम में मस्जिद का हो, सजावट का हो, या हमारे नबी पाक के चरागाह का हो, किसी चीज़ का हो, आप लोग
चंदा देने में कतराए नहीं, उनका हौसला बिल्कुल बढ़ाए और बहुत ही ज़्यादा आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ है। अब आपके दरवाजे हम जाते हैं, आप कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, ये सब साल में एक बार आता है, एक ऐसा ही त्यौहार होता है जिसको हम धूमधाम से नबी पाक का चरागा करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनके लिए हम सजावटें करते हैं, जुलूस निकालते हैं। अगर आप ही लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। चंदा देने के लिए आप 10 दो, 5 दो, 20 दो, दो ताउन करो इस्लाम में, क्योंकि आगे 20 दोगे तो आगे चल के अल्लाह आपको और देगा। ये सोच के मत करिए कि बच्चे हैं खर्चा कर देंगे, ये कर देंगे। आप अल्लाह के नाम पे निकालिए, इस्लाम के काम पर निकालिए, ठीक है, वो आपका लिखा जाएगा। और हमारे जो बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं ये वो उस तरीके के नहीं है कि गए कुछ खा लिया पी लिया। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं फिर वादा एक बार करता हूँ कि इसके बाद अगले साल जो आने वाला है इससे भी बेहतरीन मैं करूँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग अगर सपोर्ट करें इससे भी बेहतर मैं करके दिखाऊँगा। अगले साल वादा किया, इस साल किया, इस साल भी मैं वादा करता हूँ ऑन कैमरा, इससे भी बेहतर मैं करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, चंदा देने में बिल्कुल भी ना कतराएं। जो वादा किया उस वादे पे कायम रहे। तो गुजारिश आप लोगों से यही है कि जब भी आप किसी के द्वारे या कहीं भी कोई चंदा मांगे तो उसका हौसला बुलंद कीजिए। आप 10 या 20 कुछ भी आपसे हो सके वो दीजिए, क्योंकि ये आप पीछे आप देख सकते हैं ये सबूत एक छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बच्चे ने परसल जो 2023 में जो इंतजाम किया था तो इनका इंतजाम नहीं बन पा रहा था, तो हमने इसमें घंटा घर और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना था, जो इस साल हमने नहीं रखा, इस साल कहीं और रखा गया वो नक्शा माशाल्लाह। उसका भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा शायद हमारे यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह, और देख सकते हैं ये स्क्रीन पे ये भी कि माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो आप लोगों को दिखाएँगे पूरा नक्शे का।